हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल एक्सपीरियंस यूपीएससी आईएएस में। तो मैं आज आपको 20 अप्रैल 2022 के द हिंदू के शॉर्ट नोट में क्या लिखना है वो बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। पहले हम ये पहले पेज पे ये वाला जो हमारा न्यूज़ है, दिल्ली म्यूनसिपल बिल गेट्स प्रेसिडेंट नॉड, उस पर क्या लिखना है। तो इस पर आपको ऐसे सीधे लिख लेना है कि दिल्ली म्यूनसिपल बिल जो है उसको प्रेसिडेंट के परमिशन यानी कि असेंट मिल गया है, नॉड क्लियर कर दिया है प्रेसिडेंट ने। प्रेसिडेंट ने अपना असेंट दिया है जो ये वो 2022 में जो पास किया गया दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बिल उस पर दिया है, ठीक है। और ये यूनिफाई करेगा 3 सिविक बॉडीज़ को नेशनल कैपिटल से, ठीक है। ये इतना ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं और क्या पढ़ना है हमें। इसके बाद जो ये है पीएम अनवील डेयरी प्रोजेक्ट इन गुजरात, इससे रिलेटेड क्या लिखना है ये देख लेते हैं। इससे रिलेटेड ये लिखना है कि पीएम ने अनवील किया है डेयरी प्रोजेक्ट गुजरात में, ठीक है। ये इनिशिएटिव है बनस डेयरी को इम्पावर करने के लिए, ये इम्पावर करेगा, ठीक है, बनस डेयरी को, फार्मर को, वुमेन को, और बूस्ट करेगा जो रूरल इकोनॉमी है उस चीज़ को। और पीएम ने ये जो इनॉग्रेट किया है स्टेट ऑफ आर्ट डेयरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और पोटैटो प्रोसेसिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करी है बनस कंथा डिस्ट्रिक्ट कॉरपोरेशन मिल्क फेडरेशन को, ठीक है। पालनपुर में पॉपुलरली ये नो है किस चीज़ से, किस नाम से, बनस डेयरी से गुजरात में, ठीक है। और ये गुजरात में किया गया है इनॉग्रेट। और ये देख लीजिए, इसमें यह है कि कैपेसिटी कितनी कैपेसिटी है, ये कैपेसिटी है प्रोसेस करने के लिए अबाउट 30 लाख लीटर मिल्क प्रोसेस कर सकती है। प्रोड्यूस करेगी अबाउट 80 टन्स बटर, 20 टन कंडेंस मिल्क, और 1 लाख लीटर आइसक्रीम और 6 टन चॉकलेट। ये पर डे का है, मतलब पर डे हर दिन 30 लाख लीटर मिल्क, 80 टन बटर, 20 टन कंडेंस मिल्क और 1 लाख लीटर आइसक्रीम और 6 टन चॉकलेट पर डे प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या पढ़ना है। इंडिया लीडर इन ट्रेडिशनल मेडिसिन से WHO, इसमें क्या लिखना है आपको। इसमें ये लिखना है कि इंडिया बोला है, WHO की चीफ ने क्या बोला है, इंडिया लीडर हो गई है ट्रेडिशनल मेडिसिन की। तो इंडिया लीडर है ट्रेडिशनल मेडिसिन की, ये WHO के चीफ ने ऐसा कहा है। पीएम ने फाउंडेशन रख दिया है, स्टोन रख दिया है न्यू सेंटर बनाने के लिए, ठीक है, ये है। और लास्ट ये न्यूज़ आपको पढ़ना है कि प्रेसिडेंट गिव असेंट टू क्रिमिनल प्रोसीजर बिल। तो इतने दिनों से हम क्रिमिनल प्रोसीजर बिल के बारे में बात कर रहे थे, तो इसमें है कि प्रेसिडेंट ने अपना असेंट दे दिया है क्रिमिनल प्रोसीजर बिल को, और इससे पुलिस को ये परमिशन मिल गई है कि वो बायो सैंपल यानी बायोलॉजिकल सैंपल ले सकते हैं, एक्यूज्ड होगा जो भी उसका, ठीक है। और ये जो बिल आया है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल, उसने रिप्लेस किया है जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजन्स एक्ट 1920 था उसको। तो ये ध्यान में रखने वाली बातें हैं, पूछ सकता है। तो बस आज के न्यूज़पेपर में के शॉर्ट नोट के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये शॉर्ट नोट का एनालिसिस अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।